वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये सारे इंसिडेंट और ये सारे न्यूज़ जो है आपके पास वाले लोगों तक पहुंच सके, ताकि उस जगह पे जाने के पहले सब प्रिकॉशंस लेके रखो। देखते हो अगर ये मेरे साथ हुआ तो सबके साथ हो सकता है। माइक चेक 1 2 3 1 2 3 सही आ रहा ना ऑडियो। वेल सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हो सब? एंड आई होप कि आप सब बड़े होंगे और आगे ही बढ़िया ही रहना। वीडियो में कुछ मैं सीरियस बातें करने वाला हूँ, जो कि आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कहीं पे राइड्स कर रहे हो, कहीं पे एनीथिंग, आप एक बाइकर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप एक कार एंथुसिस्ट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आप एक डेली वेज वीडियो क्रिएटर या फिर एक डेली वर्क बेसिस पे भी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। सो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब की भीख हर जगह मांगी जाएगी। तो आज है 16th of May 2024 एंड जो हादसा मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था 11th of May 2024 को। चलो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं एंड बताते हैं आपको कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था और क्यों मैं इतना ज़्यादा अपसेट हूँ। सो पहले इंट्रो को रोल कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो एक्चुअली 11 तारीख को हमारा एक प्लान हुआ था कि हम एक वाटरफॉल घूमने के लिए जाएंगे। एंड वाटरफॉल एक मिनी फेमस आप बोल सकते हो, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन जानते हैं आसपास के लोग सभी इसको। सो वो वाटरफॉल का मैं एक वीडियो भी डालूँगा, आपको साइड पे दिख रहा होगा। तो वाटरफॉल को 2 बार जा चुका हूँ, ये मेरा 3rd टाइम था। तो आते हैं उस दिन की बात पे। सो हम उस दिन डिसाइड किए कि हम वाटरफॉल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ एक अच्छा ऑप्शन नहीं था कि हम पास में कहीं घूम सके। एंड वो तुरंत ही प्लान हुआ था। तो हम उस दिन सुबह में प्लान किए और सुबह पे हम 4 दोस्त निकल गए वहाँ पे घूमने के लिए। मतलब वहाँ पे एक पताहारा वाटरफॉल का एक बोर्ड लगा रहता था, मतलब सीमेंटेड एक बोर्ड था। वहाँ से आप 50 मीटर जाओगे तो वहाँ पे आप बाइक रखोगे और वहाँ से आप वाटरफॉल आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे एक सीमेंटेड जो था, मतलब गेट था वो। सो वो गेट से ठीक 10 मीटर सामने 2 रास्ते आता है। आप एक सीधे से जा रहे हो और एक वो गांव से एक रास्ता है। तो वो गेट से 10 मीटर के सामने पे वो गांव से ये गांव से आके वही सेम पॉइंट पे मिलोगे आप। हम जब आ रहे थे तो हमारे ठीक 1 मिनट पहले 2 बंदे वहाँ से आए। 2 बंदे, रेड कलर की बाइक थी, बंदे ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी और एक बंदे ने शायद से नेवी ब्लू कलर का, ऐसा कुछ डार्क टाइप का कलर का वो ड्रेस पहना था। सो वो 2 बंदे आए, सीधा गए। हमको क्या पता भाई, हम भी सीधा जा रहे थे। तब हम बाइक रखे, फ़ोटो वोटो सब लिए एंड प्लान कर रहे थे कि कहाँ पे हम जाके खाएंगे, क्योंकि हम लोग खाना कैरी किए थे कि हमको उधर खाना है जाके, फ़ोटो वोटो सब उठाना है। इतना दिन के बाद स्कूल फ्रेंड सब मिले थे, सो इतना दिन के बाद भी फ्रेंड सब मिल रहे हैं तो एक अच्छा सा माहौल बैठेगा उधर, ऐसा कुछ हमारा प्लान हुआ था उस टाइम पे। सो मैं जितना तक देखा हूँ, वो जो 2 बंदे आए थे वो लोग दो एक कढ़ाई जो होता है ना, जहाँ पे आप खाना बनाते हो, सो वो कढ़ाई एक, मतलब वहाँ पे एक टैप था तो वहाँ पे वो कढ़ाई को धो रहे थे और एक बंदा बैठ के वो रील चला रहे। तो हम क्या समझेंगे कि वो लोग कहीं पे पिकनिक विकनिक मना रहे हैं और उनका ख़त्म हो गया था तो वो लोग आ रहे थे। वैसे भी टाइम हो रहा है 11 12 बजे तक का टाइम हो गया था। मेरा एक हैबिट है जो कि आप सबको वो हैबिट रखना चाहिए कि जब भी आप बाइक या कार पार्क कर रहे हो तो मेक श्योर दैट कि कार अगर पार्क कर रहे हो तो कार को लॉक करना, खींच के भी ट्राई कर लेना। और बाइक पे अगर आप रख रहे हो तो बाइक को हमेशा 4th गियर पर रखना एंड बाइक को हैंडल लॉक जरूर से करना। तो राइड्स पे भी जो भी बंदा जाता है तो मैं उसको बोलता रहता हूँ कि भाई तू तो हैंडल लॉक कर, क्योंकि मैक्सिमम बंदे को याद नहीं रहता है तो रिमाइंडर कर देता हूँ मैं। एंड हमारे साथ एक स्कूटी भी थी, हम बाइक पार्क किए और सीधा चले गए हम वाटरफॉल को। एंड वाटरफॉल ऐसा है कि आपको बहुत सारे पत्थर पार करके जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे सिंपल में आपको वाटरफॉल दिखेगा नहीं। एंड वो एक लंबा वाटरफॉल था, मतलब लेंथ आप जितना तक जाओगे उतना तक आपको व्यू दिखता ही जाएगा। हमने गए, फोटो वोटो उठाए एंड खाना खाए और वही वो शायद से 1 घंटा का इंटरवल होगा, 1 घंटा या 1.5 आवर्स का वो इंटरवल होगा। वही टाइम पे शायद से वो बंदे आए हैं। एंड बाइक का लॉक तोड़ना बहुत इजी है, मतलब पैर मार के आप तोड़ सकते हो लॉक। बाइक का पता नहीं ओयर कहाँ से निकले, एम्प्टी या फिर
जो स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स होती है तो वहाँ पे वायरिंग आपको दिखती नहीं है। अगर दिखेगी तो इंडिकेटर वायर्स दिखेगी, स्पीडोमीटर वायर्स दिखेगी, वरना जो वायर को जोड़ के बाइक को स्टार्ट किया जाता है, बैटरी वाइड इसका वायर, वो वायर आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। ताने वो बंदे शायद से डंडा वंडा घुसा के वो वायर्स पूरा टैंक से निकाले हैं, और निकालने के बाद वो बंदे हर एक वायर को काट दिए। मतलब जितना भी वायर्स दिख रहा था सब, मतलब बाइक में क्या होता है, एक का बंच ऑफ वायर्स आता है उधर, सो वो सारे वायर को काट दिए और सबको जोड़ने लगे। जिससे भी गाड़ी स्टार्ट होता है सबको जोड़ने लगे, जिससे भी करके गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम लेके चले जाए इसको, इस मूड पे वो थे। ऐसे करके वो लोग बहुत ट्राई किए थे कि बाइक को ले जाएं, लेकिन जो लोग चोरी करने आते हैं तो उनका तो भाई माइंडसेट पूरा शॉर्ट ही होता है कि मतलब वो मेहनत कम मेहनत से कैसे ज़्यादा कमाएंगे। उन लोग मतलब चोर को, ज़्यादातर चोर का वही माइंड सेट ही होता है कि कम मेहनत में कैसे पैसा कमाया जाए। तो वो लोग MT को वैसे ही छोड़ दिए, मतलब ले नहीं पाए तो वही टूटे मूटे छोड़ के वही छोड़ दिए। एंड अगर इनके पास इतना दिमाग होता, अगर इनको बाइक चोरी करनी होती तो MT को छोड़ कर साइड पे स्कूटी रखी थी। स्कूटी एक ऐसा चीज़ है, स्कूटी आराम से चोरी हो सकती थी आराम से, लेकिन इनका भाई मंदबुद्धि, ज़्यादा पैसे ही गाड़ी लेंगे। ऐसा कुछ गाड़ी वाड़ी तोड़ कर रख दिए। मैं जब आया मतलब बाइक को देखा तो मैंने बाइक को देखते, मतलब मैं बाइक के पास गया नहीं था। आप एक फोटो देख लो अभी, तो मैं बाइक के पास गया नहीं था अभी, और अभी तक मेरे को पता नहीं था कि बाइक का ऐसा कुछ हुआ है जब मैं ये फोटो ले रहा हूँ। तब मैंने बाइक का फोटो लिया, मेरे को सिर्फ स्टोरी डालना था। क्योंकि जब बाइक को देखा पास में आके तो लीवर गार्ड उठा हुआ था, तो मेरे को ये लगा कि वो जो दो बंदे आए थे वो बाइक के ऊपर बैठे होंगे और फोटो वोटो उठाए होंगे। एंड मेजोरिटी ऑफ द केस वही होता है, क्योंकि मेरे साथ जितने बार भी ऐसा हुआ है तो लोग वही आते हैं, फोटो वोटो उठाते हैं, मेरे को बोलते हैं भैया मेरा ड्रीम बाइक है, ये है वो है, फोटो उठाओ, तो मैं भी दे देता हूँ। तो बाय द चांस कहीं पर लग जाता है तो लीवर गार्ड फेवर गार्ड डैमेज हो जाता है, तो मैं उतना वो माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई सपना सपने होते हैं, सबका अलग अलग मोटिव होता है। चाबी जब घुसा है बाइक पे, चाबी घुस ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि बाइक को मैं आगे कर लूँ ताकि चाबी को मैं अच्छे से देख सकूँ। बाइक आगे भी नहीं हो रही, हैंडल 25 डिग्री से रोटेट हो रहा है, मतलब फुल अगर 60 डिग्री भी हैंडल रोटेट हो जाता तो शायद से बाइक घूम जाती। तब मैंने जैसे तैसे करके गाड़ी का चाबी घुसाया एंड इग्निशन दिया तो बाइक स्टार्ट नहीं हुआ और फटी। एक जंगल के अंदर में अगर आपके बाइक ऐसा हुआ और ऐसा, और वो भी आपका खुद की बाइक, ड्रीम बाइक, ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा आपको? गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, धक्का मारे सेकंड गियर पे, स्टार्ट किए हुआ नहीं, स्टार्ट हो रहा है कट जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है कट जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंजन तक पावर पहुंच रहा था लेकिन बैटरी तक पावर नहीं आ रहा था जिससे कि इग्निशन वो ले। मैंने देखा बाइक का जो है ABS का वायर, इग्निशन का वायर, फ्यूल टैंक का वायर, रेडिएटर का वायर, सबका वायर कट चुका है, सिर्फ स्पीडो का वायर था। स्पीडो का मतलब सिर्फ स्पीडोमीटर पे करंट आ रहा था लेकिन स्पीडो पे जो स्पीड बताता है वो जो एयर था वो कटा हुआ था। स्कूटी के साथ MT को टो करें, पहले जो रस्सी था वो रस्सी 1.5 किलोमीटर जाने के बाद टूट गया। फिर हम और एक गांव गए, वो गांव पे और एक रस्सी थी, वो रस्सी को हम टो करके करके एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पे लाए। कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पे लाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान ने भी वो बात सुनी तो सब अपसेट हो गए कि वो बोले कि हमारा गांव का नाम डुबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम भाई क्या कर सकते हैं, हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा तो हम तो बोलेंगे यार, अगर बाइक चोरी हो जाता तो कोई पीछे नहीं आता भाई। तो उसने एक मैकेनिक का पता बताया हमको, तो हम मैकेनिक के पास गए, वो रेडिएटर खोला, ये खोला, वो खोला, सिर्फ बाइक को सिर्फ एक ऐसा कंडीशन पे ला कर रखा, सिर्फ बाइक स्टार्ट हो जाए और हम घर को पहुंच जाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज से आ रहा था। उसने ठीक किया एंड थैंक टू गॉड कि वो मेरे लिए एक भगवान की तरह थे जो कि बाइक को सही किए। ये थी भाई स्टोरी हमारी जो कि बाइक चोरी होते होते हमारे बच गई थी। और अभी बात करते हैं बाइक का क्या डैमेज हुआ है। बाइक का भाई पूरा लॉक सेट चेंज होगा, इग्निशन का लॉक एंड फ्यूल टैंक का लॉक एंड सीट अनलॉक का लॉक, ये तीन लॉक का सेट पूरा लगेगा एंड वायरिंग किट पूरा फिर से लगेगा, मतलब पूरा शुरुआत से बाइक वायरिंग होगा, मतलब ABS का तार, स्पीडो का तार, फ्यूल टैंक, इग्निशन, सबका वायर फिर से शुरुआत से लगेगा शायद से, मेरे को ऐसा बताया गया था शोरूम की तरफ से। एंड पार्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है अभी, इसीलिए बाइक का वीडियो नहीं आएगा।
बाइक चल रहा है लेकिन इंजन चेकलेट आ रहा है, तो उसका जनरल चेकअप करना पड़ेगा। एंड ये भी हो सकता है कि वो लोग तार को बहुत ज़ोर से खींचे होंगे, तो कोई अंदर का भी कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता होगा। सो इसलिए मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, तो बाइक को निकाल ले रहा हूँ। सिर्फ 2 दिन में एक बार निकाल के बाइक का सिर्फ इंजन को गर्म करके फिर रख दे रहा हूँ, वही सिंपल सी बात है। पार्ट्स को अभी 10 दिन लगेंगे आने के लिए, एंड अभी 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है। सो और 5 दिन लगेंगे, और अगर हो सकेगा तो मैं बाहर से पार्ट अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक डेडिकेटेड ब्लॉग भी बनाऊंगा कि बाइक का कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ। एट द एंड कंक्लूजन ये निकल के आता है, कितना भी भरोसेमंद जगह हो, कुछ भी हो, कितना भी भरोसेमंद एक इंसान हो, सो किसी पे भरोसा ना करो। खुद की चीज़ों का खुद ख्याल रखो, एंड हर एक चीज़ जो भी आप करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे एक बैकअप रखो और एक सेफ्टी पर्पज़ रखो। अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो सारे मशीन्स का, अंडा, अपने सारे बिलोंगिंग्स का एक से एक ख्याल रखो। अंडा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी पकड़ो, क्योंकि हमारे साथ, क्योंकि अगर वो लोग 10-15 आ जाते तो हमारे साथ छीन छान के बाइक ले सकते थे। सो वो चीज़ ना हुआ, अंडा इसीलिए सेफ्टी के लिए एक छुरा तो रखो, या फिर अगर आप गन वन लाइसेंस करवा के ला सकते हो तो ला सकते हो, ऐसा आपकी मर्जी है। क्योंकि भाई आप पहले अपना खुद का ख्याल रखो, पीछे में जो केस वेस होगा वो सब संभाला जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद जान से हाथ धो बैठोगे तो क्या ही कर सकते हो। क्योंकि आजकल का गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है हमारा, वो ये सब चीज़ में सपोर्ट कर रही है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात भी नहीं है। सो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये सारे इंसिडेंट और ये सारे न्यूज़ जो है आपके पास वाले लोगों तक पहुंच सके, ताकि उस जगह पे जाने के पहले सब प्रिकॉशंस ले के रखो। क्योंकि देखते हो, अगर ये मेरे साथ हुआ तो सबके साथ हो सकता है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट मस्त ब्लॉग पे। अगर बड़ा अच्छा लगा तो मेहरबानी से लाइक और सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर से दबाओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, पीस आउट, जय जय श्री राम।